कर दोस्तों, आज हम कुछ इंडोर एग्लोनीमा प्लांट जो मेरा नर्सरी का ज़्यादातर हम लोगों का जो नर्सरी है, नर्सरी में इसका ही प्रोपोगेशन ज़्यादा होता है। तो ये है एग्लोनीमा आइस का वैरायटी। देखिए रूट बॉन्ड होके यहाँ पे नीचे से निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिपोट करने का टाइम हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारा कटिंग दिया हुआ है, इसको भी करना है। तो कैसे हम लोग नर्सरी में करते हैं, क्या पॉटिंग सॉइल है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बताएंगे। और ये इसका रूट बॉल देखिए किस तरह का, आप पॉटिंग सॉइल यूज़ करने से 1.5 महीने में इस तरह का कटिंग से इतना अच्छा प्लांट रेडी हो जाएगा। तो आपके सामने कुछ रेड वैरायटी और कुछ ग्रीन वैरायटी के प्लांट का रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक एग्लोनीमा है, ये डिफरेंट टाइप का एक वैरायटी है। तो इसको भी हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। और इसका भी रूट स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा है। तो देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट बॉल कितना अच्छा है। तो इसको अभी प्रोपोगेशन का रिपोर्ट का टाइम हो गया। तो ये एक वैरायटी है और एक लिपस्टिक वैरायटी है जो छोटा वाला, ये देखिए इसका अभी टाइम नहीं हुआ है, तो इसको हम अभी रिपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा प्लांट रिपोर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे और एक जो ग्रीन वैरायटी है, इसको हम लोग एग्लोनीमा साहेब बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसको भी हम लोग 2-4 दिन बाद में, इसको रिपोर्ट करने के बाद, थोड़ा खाना देने के बाद, इसको भी हम यहाँ पे काटिंग कर लेंगे। तो एक प्लांट से आप एक सीज़न में 2 से 3 बार काटिंग ले सकते हैं। तो बेस्ट काटिंग का सीज़न होता है वो है मॉनसून का सीज़न इंडोर प्लांट के लिए। और यहाँ पे देखिए ये काटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट कितना अच्छा 1.5 महीने में रूट स्ट्रक्चर आ गया। तो आप लोग भी घर में एक बार खरीदिए, बार बार आपको नर्सरी से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो एक और रेड वैरायटी है वो आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये एक, इसको भी रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है, तो इसको भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। तो आज 4 प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। मैं एक बंगाली लड़का हूँ, हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो पॉटिंग सॉइल के बारे में आप थोड़ा बातचीत हो जाए तो अच्छा है। तो मेरा जो पॉटिंग सॉइल होता है, देखिए इतना एकदम भूरभूरा मिट्टी है पॉटिंग सॉइल। चिकनी मिट्टी में अगर करेंगे तो उसका ग्रोथ इतना फास्ट नहीं होगा, 1.5 महीने के इतना फास्ट ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो पॉटिंग सॉइल है, तो बारिश के टाइम है, तो पॉटिंग सॉइल में मैंने लिया है एग्लोनीमा, जेवरियाना या फिर कोई भी इंडोर प्लांट हो, उसका पॉटिंग सॉइल एक ही टाइप का थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ प्लांट के लिए अलग अलग हम लोग बनाते हैं। तो मेरे नर्सरी में बोनसाई, इंडोर प्लांट, कैक्टस, सब तरह का प्लांट है। तो ऑनलाइन में हम लोग डिलीवरी नहीं करते हैं, यहाँ कोलकाता के पास जो बाटा मुचीसा बजबज इस टाइप का जो लोकेशन है मेरे घर के पास, यहाँ पे हम होम डिलीवरी भी देता है, पर ऑनलाइन में हम लोग प्लांट डिलीवरी नहीं करते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन के बारे में आप लोग बहुत सारा रिक्वायरमेंट है, और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हम लोगों के पास उतना मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पे अभी आ जाइए, पॉट में जो मिट्टी डालेंगे किस टाइप का मिट्टी है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने इस मिट्टी में बनाया है जो 20% यहाँ पे कोकोपीट है, 20% वार्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर किचन वेस्टेज कंपोस्ट ले सकते हैं, और इसमें 20% नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है वो लीजिए, तो 40% हो गया। फिर इसमें 20% आप एस या फिर राइस हस्क जो है, राइस हस्क बान राइस हस्क होगा तो बहुत अच्छा होगा, या फिर जो नॉर्मल जो राइस हस्क है वो भी ले सकते हैं। और उसके साथ आपको मिलाना होगा 20% सैंड, रिवर सैंड भी हो सकता है, या फिर सिंडर भी मिला सकते हैं, सब चल जाएगा। तो फर्टिलाइज़र के रूप में हम लोग देंगे हॉर्न डस्ट, बोन मील और नीम की खली, ये तीनों हम लोग देंगे। फिर इसमें देंगे जो ये हम लोगों का मिट्टी हो गया, तो अभी
जो पॉट में हम लोग नर्सरी में मेरा नर्सरी में चलता है, तो यहाँ पे हम लोग लीप मोल्ड कंपोस्ट लेते हैं। लीप मोल्ड कंपोस्ट मिनिमम 60 डेज का होना चाहिए पुराना, यहाँ पे दे देंगे। तो ये नीचे एक्स्ट्रा खाद की तरह देते हैं, फिर इसमें हम लोग जो मेरा स्पेशल मिक्सचर मिट्टी बनाया हुआ है वो देंगे। तो रेड वैरायटी का जो प्लांट है इसको हम लोग पहले रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से मिट्टी हम लोग डाल देते हैं और थोड़ा ऐसे ठोक लेना है जिससे कोई एयर पॉकेट नहीं रहे। तो थोड़ा ऊपर में हम लोग गैप रख देंगे, तो जब इसको हम लोग काट लेंगे तो खाना देंगे, फिर यहाँ पे साइड से थोड़ा नया नया शूट निकलेगा। तो एक हो गया, अब एक ग्रीन वाला लेंगे। तो फिर इसमें हम लोग देंगे लीप मोल्ड कंपोस्ट। लीप मोल्ड कंपोस्ट के बाद हम लोगों का जो स्पेशल मिक्सचर है वो देंगे। इसमें प्लांट का जो ग्रोथ है डेढ़ महीने में इतना हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। ये है बेस सॉइल, और सब लोगों के पास इस टाइप का मिट्टी बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है नहीं होता है, तो जो लोग फ्लैट में करता है, तो हम लोगों का ये सब बहुत क्वांटिटी में लेते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर से मांगवा के ये सब करते हैं। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हुए, तो उनके लिए भी हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के कैसे मिट्टी बनाना है वो भी हम लोग दिखाएंगे। पर ये है सबसे बेस्ट सॉइल। मैंने इतने दिनों से 10-15 साल से जो एक्सपेरिमेंट करके मैंने जो पाया है, तो ये है एग्लोनीमा के लिए बेस्ट सॉइल। तो इसमें हम लोग मदर प्लांट प्रोडक्शन में के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत बूसी है। आप लोग मेरा अगर दूसरा वीडियो देखेंगे, अगली वीडियो में पिछले वीडियो में बहुत सारा पॉटिंग सॉइल मैंने दिखाया है, तो आपको मालूम चल जाएगा तो कैसा रिज़ल्ट है। तो ये सब हम लोग 6 इंच या 7 इंच दो टाइप का जो ग्रोव है उसमें हम लोग ये प्लांटेशन कर रहे हैं। और ये एग्लोनीमा आइस आ गया, देखिए। थोड़ा दबाना नहीं है, जस्ट जेंटली इसको प्रेस कर देना है। तो आज के लिए वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।